एक्सपर्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालेंगे 5 मिनट 25 खबरों पर। मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत पर सीएम योगी का ट्वीट, आगरा में विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा। आगरा को मिला मेट्रो का तोहफा, पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर हो रहा भारत। किसान आंदोलन पर तेज हुई राजनीति, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों का आंदोलन और भी हुआ उग्र, भारत बंद की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों से सिंधु बॉर्डर मिलने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा मैं सीएम नहीं आपका सेवादार बनकर आया हूं। भारत बंद पर बोले अरविंद केजरीवाल, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम इस बंद को सफल बनाएंगे। किसानों के आंदोलन का 12वां दिन, सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल, बोले केंद्र ने 9 स्टेडियमों को जेल बनाने का बनाया था दबाव। कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होने की जिद पर अड़े सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किसानों पर गरमाई यूपी की सियासत, लखनऊ में गाड़ी रोकने के बाद धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस ने लिया हिरासत में। सपा सदर विधायक अनिल दोहरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्यक्रम स्थल व पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहे थे सपा विधायक। पुलिस के रोकने पर सपा कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से झड़प, पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को उठाकर पीएससी की ट्रक में भरकर सभी सपा कार्यकर्ताओं को भेजा। कृषि कानून पर बवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोका, एसपी कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड। एटा में जिला प्रशासन की बिना अनुमति के समाजवादी पार्टी ने शहर में निकाली रैली, सपा मुखिया के निर्देश पर कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। चित्रकूट में किसान विरोधी आंदोलन की तैयारी कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर से उठाया, NH-76 में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया प्रदर्शन। चित्रकूट में प्रदर्शन कर रहे सपा जिला अध्यक्ष अनुज यादव और पूर्व विधायक वीर सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में, कोतवाली कार्रवाई में सपा के लोगों को किया गया नजरबंद। संत कबीर नगर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे सपा कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में भी किसान आंदोलन का दिखा असर, किसान आंदोलन के चलते समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा सहित 2 दर्जन नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ में कृषि कानून के विरोध में सपा के प्रदर्शन का मामला, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, शांति भंग के चलते पुलिस ने की कार्रवाई। फरुखाबाद में आशा बहू ने महिला जिला अस्पताल से प्रसूता को प्राइवेट अस्पताल भेजने की कही बात, आशा बहू का वीडियो हुआ वायरल। 102 एम्बुलेंस कर्मी और आशा बहू की मिलीभगत से एम्बुलेंस का हो रहा दुरुपयोग, प्रसूता महिला को जिला अस्पताल से लाया गया लोहिया। शाहजहांपुर में ढाबे पर दबंग की गुंडाई, दबंग ने तमंचा लेकर ढाबा मालिक को पीटा, तमंचा लहराने का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान को बनाया अपना निशाना, दुकान का ताला तोड़ 5 लाख के सोने चांदी के जेवर पर किया हाथ साफ। सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी का मामला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा के सिविल लाइन इलाके में स्थित रिलायंस जियो के सर्वर केंद्र से 8 डिवाइस की चोरी से सनसनी, डिवाइस चोरी से इटावा, औरैया और कन्नौज में जियो मोबाइल सेवा प्रभावित। शाहजहांपुर में एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से 2 सिपाही हुए घायल। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।